फ्रेंड्स, वेलकम टू ताज वीडियोज अगेन। मैं आज आपको दिखाऊंगा लेने वो 8000 जो मैंने सिर्फ 4500 रुपीज़ में ख़रीदा था। डेढ़ साल बाद उसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। जी हाँ, तो सबसे पहले देखते थे कि मेरा जो टेम्परेड ग्लास था वो फट गया है। यही था इसका रिव्यू दोस्तों। तो चलिए इसका ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। और हाँ, एक कोई 4G फ़ोन नहीं है, एक 3G फ़ोन है। सबसे खास इसका जो मेरा फ़ोन का लगा कि ये बहुत बार मेरे से गिरा था, आप देख सकते हैं। यहाँ पर चोट लगी है लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात, इस पर आपको 5 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा, सामने की तरफ भी GA कैमरा मिलेगा। चलिए मैं आपको फोटो लेकर दिखाता हूँ। ये देखिए, पीछे की तरफ रियर कैमरा से 5 मेगापिक्सल कैमरा से लिया हुआ फोटो। एकदम बजट टाइट फोन है जो कोई इंटरनेट चला सकता है 3G में। मतलब कि 4G का ज़माना आ गया है लेकिन 3G में अगर चला सकते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये 3G फ़ोन है और कीवर्ड को पहुँचे साथ के साथ आता है। और आप देख सकते हैं एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच का 2015 का। यहाँ पर एक अपडेट भी आया था मेरे पास लेकिन ये अपडेट नहीं होता, पता नहीं क्यों लेने वाले क्या किया होगा। अपडेट जब भी करता हूँ फेल मार देता है। और ये एंड्रॉयड लॉलीपॉप पर चलता है, हम देख सकते हैं लॉलीपॉप। यहाँ पर देखते हैं लॉलीपॉप। देखिए आप एंड्रॉइड 5.0 लॉलीपॉप जो कि बहुत पुराना हो चुका है। ये ड्यूअल सिम को सपोर्ट करता है और आप 32 GB मेमोरी कार्ड इस पर आप लगा सकते हैं। इसका बैटरी बैकअप भी बहुत ही अच्छा है। मैंने देखा है हर कोई जो बजट टाइट जो मोबाइल है उस पर बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा रहता है। पता नहीं ये कितना हो गया था शायद कितना है बैटरी, अब देखते 2000 माई लेम एम्पायर बैटरी। अब लिखते 2015 लियोन पॉलिनर बैटरी है ये। अब दो सिम लगा सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। और यहाँ पर आप माइक्रो SD लगा सकते हैं। यहाँ पर फ्लैश है ऊपर की तरफ, आपको चार्जिंग पोर्ट या फिर विद्या है जो आईफोन में भी नहीं मिलेगा आपको, वो इस फोन में मिल जाएगा। वो क्या, हेडफोन जैक। पीछे की तरफ आपको स्पीकर और कुछ नहीं है। सामने की तरफ आपको ईयरफोन दिया गया है, ईयरफोन माइक है अगर जब बोलेंगे। और हाँ, ये पावर्ड बाय एंड्रॉयड है इसीलिए इसका जो प्राइस है वो है सिर्फ 4500 रुपीज़। और हाँ, अभी ये सिर्फ 3000 में भी मिल रहा है, मैंने देखा था। आप चाहे तो उसको खरीद सकते हैं लेकिन आपको बता देना देता हूँ कि इसका कैमरा, सामने का कैमरा बहुत ही बकवास है, पीछे का ठीक ठाक भी नहीं है, वो भी बकवास है आज के ज़माने में। और अगर आप नॉर्मल यूज़र है जो सिर्फ मैप, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक चलाना चाहते हैं तो आप इस फ़ोन का खरीद सकते हैं, और वो भी 3G में, क्योंकि ये फ़ोन 4G नहीं है। बहुत सारा फीचर आपको इस फ़ोन में मिल जाएगा, जैसे कि प्री लोडेड WeChat, गुबेरा म्यूजिक, फेसबुक, गूगल वॉइस, क्रोम। अगर आप इस 2017 में, मतलब कि 2017 तो चला गया, 2018 में अगर आप 3G फ़ोन लेना चाहते हैं वो भी बजट का, तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। आपको बता दूँ पीछे की तरफ है 5 मेगापिक्सल कैमरा जो सिर्फ दिन में फ़ोटो ले सकते हैं, मतलब कि आपको क्लियर आ जाएगा कि हाँ ये मैंने फ़ोटो लिया। रात में आप कुछ भी फ़ोटो नहीं ले सकते हैं, फ्लैश ऑन करना होगा आपको, फ्लैश ऑन करके जूम करके फ़ोटो लेना पड़ेगा आपको, सामने की तरफ सेल्फी, जो कि ठीक ठाक है 0.3 VGA कैमरा। चलिए मैं दिखा देता हूँ एक सेल्फी लेके आपको।
थैंक यू दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए। 1.5 साल बाद इसका इसके साथ मैंने इसको सिर्फ 2 महीने यूज़ किया था, उसके बाद मैंने नया फ़ोन ले लिया था। अच्छा फ़ोन था, 1.5 साल पहले इसी से मैं काम चला लेता था, व्हाट्सएप फेसबुक सब कर लेता था। अगर आपको ख़रीदना है 3G फ़ोन 2017 में और आपका बजट बहुत ही टाइट है, 3000 में भी आपको शायद मिल सकता है, तो आप इसको अगर 3000 में मिलता है, 3000 में तो आज 4G मोबाइल भी मिल जाता है। लेकिन हाँ एक बात बता दूँ कि इसका बैटरी बैकअप अच्छा है, मैं झूठ नहीं बोलता। तो थैंक यू दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए।